हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स न्यू स्टडी पर। तो आप सभी देखते हैं भाई, इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से उसका नाम अपलोड कर दिया गया। जैसे कि आप न्यूज़ पर जाकर देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपका सेकंड फेज के जो स्टूडेंट है उनसे संबंधित भी प्रोवाइडेड की गई है। एंड नीचे जब स्क्रॉल करते जाएंगे तो न्यूज़ है वो कंटिन्यू चलती जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइडेड कर दी जाएगी। जैसा कि जब इसमें स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो आप यहाँ पर, एक मिनट में दिखा देता हूँ इसको नॉर्मली करते हुए, कि यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। और अभी यदि यहीं यहाँ पर कोई एरर आती है, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के स्टूडेंट है, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है, रिगमेंट रैली बिहार पटना स्टेट ऑफ झारखंड की है, तो उनकी सारी कैटेगरी उसको यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका नाम यहाँ पर आ चुका है। कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, सभी कैंडिडेट्स ध्यान देंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जिनका भी एडमिट कार्ड के लिए शॉर्ट लिस्टेड है उनका एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। तो यदि नहीं आया तो वेट कर लीजिए, आपका एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर जरूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ईमेल आईडी ओपन करके देख लिए, अब यहाँ पर देखें किस किस स्टेट की कितनी कितनी कट ऑफ है वो गई है। तो जैसा कि दिल्ली स्टेट है, उत्तराखंड की देखें तो आपको पता है कि 83 गई है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 91 गई है। जैसा कि आप इन लिस्ट को ओपन करके देखेंगे, झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड की लगभग 77 सबसे कम झारखंड की ही गई है। ठीक है, अभी इनको ओपन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जैसे कि हमने क्या था कि लगभग आप बता सकते हैं कि कम कट ऑफ नहीं जाएगी, हमने पहले ही कह दिया था इसके बारे में कि आपके कट ऑफ बिल्कुल भी कम है वो नहीं जाएगी उत्तर प्रदेश की। तो जैसा कि आप इसको पूरी लिस्ट को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो टोटल यहां पर लगभग बहुत कम लिए गए उत्तर प्रदेश से 1100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब यहां पर 1100 स्टूडेंट है, 91% है, आप देख सकते हो। और इनको रिपोर्ट कब करना है सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग चुका होगी। अब यदि सभी कैंडिडेट्स को क्या करना है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से इस लिस्ट को चेक कर लेना है। कई बार क्या करते हैं कि हम यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया है उसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि आपकी परसेंटेज बेस है, लेकिन कई बार काम भी थोड़ा वहाँ पर हो जाता है और कई बार कंप्यूटराइज सिस्टम की गलती की वजह से लिस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बार लिस्ट को चेक करिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप बता सकते हैं। मेरी तरफ से अब की बार इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन एयरफोर्स ने टाइटली यहाँ पर सारे प्रोसेस है उसको किया है। ठीक है, अन्य लिस्ट है उनको भी चेक कर सकते हो, जैसा कि नीचे मध्य प्रदेश की लिस्ट है वो भी आ चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर यहाँ पर तमिलनाडु और यूनाइटेड स्टेट इसके बारे में और चेक कर लेते हैं। इनके जैसे ही आप चेक करते हो तो आपके सामने कितने देख सो 194 पेजेज है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स मेरे हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है। यहाँ पर आप देखें तो 2000 देख सकते हैं, 2828 यहाँ पर 78% है ये गई है। और कहाँ कहाँ से है ये आप देख सकते हैं, सारे वाई ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं। तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन PDF टेलीग्राम लिंक पर जाएगा या फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।